फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आप लोगों को जो है एक रिड्यूसर बना के दिखाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कैसे उसको बनाना है। तो सबसे पहले ये आपको बताता हूँ कि रिड्यूसर जो है दो प्रकार के होते हैं, एक कंसेंट्रिक होते हैं और एक इसेंट्रिक होते हैं। तो ये देखिए, इसको कंसेंट्रिक बोलते हैं। तो इस वीडियो में मैं इसको आपको जो है बना के दिखाऊंगा। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं ये वाला बना के दिखाऊंगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो 4 इंच बाई 2 इंच का बना रहा हूँ। तो 4 इंच का जो हमारा ओडी है वो है हमारा 114 mm, ठीक है, 114.30 mm। अब ये आपको कहाँ से पता चलेगा, तो आपको ऐप इंस्टॉल करना है फिटर की पूरी जानकारी, उसमें आपको चार्ट सेक्शन में जाना है, वहां पे आपको जो चार्ट है पाइप ओडी का वो आपको मिल जाएगा, ओके। उसके बाद 2 इंच का ओडी है वो 60.32 mm, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं, इसको जो है कम ज्यादा करके ले लेते हैं और फिर बाद में जो उनका थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, अगर आप पाइप में बना रहे हो तो आप जो है पाइप को चेक कर ले, ठीक है, उसका कितना एक्चुअल में उसका ओडी है वो आप चेक कर ले और उसके बाद उसी हिसाब से बनाए, ठीक है। तो यहाँ पे 4 इंच का CF जो है हमारा वो है, यहाँ पे मैंने CF निकाला हुआ है, 114.30 × 3.142 हमने किया तो हमारा आंसर आ गया 359.13। यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, 114.30 × 3.142, तो ये देखिए आ गया 359.13, ठीक है। तो इसी तरीके से इसका CF निकालना है और 2 इंच का CF हो गया हमारा 189.52, ठीक है। ये सारा जो मेजरमेंट है वो mm में है, ओके। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको फार्मूला बताता हूँ। तो इसका फार्मूला होता है बिग पाइप CF या बिग CF आप बोल सकते हो, माइनस स्मॉल बोर CF या फिर स्मॉल पाइप CF या फिर स्मॉल CF जो भी आप बोल सकते हो, और फिर डिवाइड नंबर ऑफ सेंटर लाइन, मतलब कितना सेंटर लाइन में आप इसको बनाने वाले हो, ओके। तो आइए एक एक करके हम यहाँ पे सभी का जो मान है, जो वैल्यू है वो यहाँ पे हम रखते जाते हैं। तो बिग पाइप CF, बिग पाइप CF हमारा कितना है, मतलब बड़ा पाइप का जो CF वो कितना है, 359.13। तो यहाँ पे रखते हैं 359.13 माइनस स्मॉल पाइप CF, मतलब ये वाला 189.52, ओके। और पूरे को हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ सेंटर लाइन, यहाँ पे मैं 8 सेंटर लाइन में बनाऊंगा तो 8 कर दिया। अब आइए दोनों को यहाँ पे माइनस करके देखते हैं कितना आ रहा है, 359.13 माइनस 189.52, तो आ गया 169.61, और इसको मैंने 8 से डिवाइड कर दिया, तो मैं यहाँ पे डिवाइड 8 कर देता हूँ तो आ गया 21.20 mm, ठीक है। ये इसका कटबैक हो गया, तो इसको हम यहाँ पे इसको दो भाग में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली डिवाइड 2 कर देता हूँ, तो डिवाइड 2 तो आ गया 10.60 mm, ये हो गया हमारा कटबैक। तो चलिए अब आपको हम दिखाते हैं इसको पाइप में मार कैसे करना है। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे एक जो है पाइप ले लिया है, अब इसी को यहाँ पे मैं मार करके दिखाऊंगा। तो मान लेते हैं हमारे पास ये स्पीड लेवल है, तो आपको स्पीड लेवल को ऐसे पाइप में टच करना है, ठीक है। और टच करने के बाद ऐसे इस तरीके से जो पाइप का जो ओडी है उसका आधा आपको मार करना है। जैसे इसका ओडी कितना है, 114 mm, यहाँ पे देखिए 114.30 mm, ठीक है। तो आपको 57.15 mm मारना है इस स्पीड से लेवल से ऐसे करके, ठीक है। स्पीड लेवल आपको बिल्कुल सीधा रखना है और जहाँ पे 57 आ रहा है, जैसे यहाँ पे आ रहा है 57, ठीक है, तो 57 यहाँ पे ऐसे आपको मार कर देना है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे दो मार्क ले लेना है, ठीक है, दोनों जगह पे, एक यहाँ पे और एक आगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं मार देता हूँ एक सीधा लाइन। आप जब सीधा मार करोगे तो आपको स्पीड लेवल रख के और सीधा मार करना है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के मन में मतलब क्वेश्चन आया होगा कि मान लीजिए स्पीड लेवल छोटा है और हमारा पाइप अगर बड़ा पड़ जा रहा है, जैसे कि 20 इंच 30 इंच का अगर पाइप है उसमें रिड्यूसर बनाना है, तो उसमें सेंटर लाइन कैसे निकालेंगे। तो आपको एक मतलब प्लम लेना है या फिर लाइन डोरी आप ले सकते हो, उसमें आपको एक कुछ भारी सामान बांध देना है और आपको ऐसे पाइप में टच करना है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ऊपर से, मैं दिखा रहा हूँ, ऐसे आपको पाइप में टच करना है और पाइप में जैसे टच होगा आपको ऐसे करके ऐसे मार्क ले लेना है, ठीक है, 57 mm जितना भी मतलब है पाइप का ओडी उसका आपको हाफ ले लेना है और इस तरीके से दो जगह आपको करना है, ठीक है। दो जगह ऐसे मतलब जो लाइन डोरी है वो बिल्कुल ऊपर से गिराना है वर्टिकल और ऐसे पाइप में ऐसे टच करना है और टच करके टेप टच करके ऐसे आपको ले लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूँ करना आपको, ओके। हमने एक यहाँ पे लाइन जो है मार दिया है पाइप में, आप देख सकते हैं। अब इसको हमें 8 सेंटर लाइन में डिवाइड करना है, तो 8 सेंटर लाइन में यहाँ पे कैसे डिवाइड करेंगे, तो 8 सेंटर लाइन में यहाँ पे डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना होगा, CF डिवाइड 8 करना होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं 8 सेंटर लाइन, तो क्या होगा CF मतलब बिग पाइप CF, बिग CF, और इसको डिवाइड करते हैं 8 से क्योंकि 8 सेंटर लाइन में। तो बिग CF हमारा कितना है, ये देखिए 4 इंच का यहाँ पे CF है, देखिए 359.13, तो यहाँ पे लेना है 359.13 और भागा 8 करना है। तो आइए देखते हैं करके कितना आ रहा है, 359.13 और भागा 8, तो ये हो गया 44.89 mm, मतलब कि हर एक पाइप का जो
जो डिस्टेंस रहेगा वो कितना रहेगा, 44.89 mm रहेगा। तो यहाँ पे टेप लेना है, तो इसको अगर इस तरीके से मार्किंग करने में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको क्या करना है, सिंपली एक पट्टी लेना है और पट्टी में आपको क्या करना है 44.89 का मार्क कर देना है, ठीक है। तो कहीं से भी आपको मार्क करना है इस तरीके से, 100 से मैंने लिया है तो 44.89 तो यहाँ पे आ गया, ओके। इस तरीके से आपको दो मार्क कर देना है पट्टी में, ठीक है, क्योंकि टेप जो है मोड़ने में नहीं होता है। और इस तरीके से आपको ऐसे रख के, ये देखिए ऐसे रख के, और आपको ऐसे पॉइंट मार देना है, ठीक है। तो चलिए 8 सेंटर लाइन में यहाँ पे मैं पॉइंट मार देता हूँ। तो एक एक साइड हमने जो है मार्क कर दिया है, अब सेम हम इधर भी करेंगे। ठीक है, तो हमने जो है दोनों साइड में ये सेंटर लाइन हमने मार दिया है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम सीधा खींच देते हैं। आप जो है लाइन डोरी से इसको पूरा सीधा खींच लीजिएगा। तो लाइन खींचने से पहले यहाँ पे मैं और एक चीज़ यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, आपको ये जो कटिंग लाइन है वो कितना दूर तक रखना है वो आपको यहाँ पे मैं निकालना सिखाता हूँ। तो सिंपली आपको क्या करना है, जो पाइप का ओडी है मतलब 114.30 और गुने इसका डेढ़ा लेना है उसका लंबाई, ठीक है। तो 1.5 या फिर 1.4 आप रख सकते हो, चलिए ज़्यादा बड़ा भी लेने से कोई फ़ायदा नहीं, तो 1.4 मतलब इसका डेढ़ा रखना है, ठीक है। 1.5 रखना है, 1.4 भी चलेगा, तो 114 × 1.4 लेते हैं, ठीक है। तो आ गया 159.6, मतलब कि 160 mm मान के चलते हैं, ठीक है। 160 mm ये लेंथ रखना है कटिंग का। तो यहाँ से मैंने लिया 160, ये देखिए यहाँ से 160, ठीक है। 150 भी ले सकते हो, 140 भी ले सकते हो, लेकिन जो प्रोसीजर है वो यही है कि इसका डेढ़ा रखना चाहिए, ठीक है, ताकि कटिंग में मतलब थोड़ा अच्छा से होता है। आप छोटा भी रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। और इसको मैं पूरा राउंड घुमा देता हूँ 160 पे, ठीक है। तो हमने 160 पे मार्क कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इसमें वो जो लाइन है वो हम 8 सेंटर लाइन में उसको खींच लेते हैं, पूरा डिवाइड कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने जो इसको पूरा 8 सेंटर लाइन में डिवाइड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। मैं नंबर भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये 8 हो गया, ओके। अब आपको क्या करना है, अब जो आपका कटबैक है वो आपको मारना है। तो कटबैक कितना है, 10.60 mm, ठीक है। तो 10.60 आपको मारना है। तो फिर से हम क्या करते हैं, इसको 10.60 का पॉइंट ले लेते हैं, 10.60, और इसको हम यहाँ पे ऐसे मार देते हैं पूरा राउंड 10.60 का, ओके। ठीक है, इसको मैं दोनों साइड ले लेता हूँ ताकि एक ही बार में हमारा पूरा काम हो जाए। तो मैं इस इधर भी 10.60 ले लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, पूरा मार्क एक ही बार में हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे रखा, ठीक है। तो ये देखिए हमने पूरा मार्क कर दिया है। अब आपको क्या करना है, अपना लाइन डोरी की मदद से आपको ये वाला जो लाइन है ये आपको सीधा खींच लेना है इस तरीके से, ओके। तो ये हमने खींच दिया, और सेम आपको इधर भी ऐसे ही खींच देना है, ठीक है। तो सब में आपको खींच देना, और ये कटिंग लाइन रहेगा, ठीक है। ये जो यहाँ से यहाँ जो दिख रहा है ये पूरा कटिंग हो जाएगा, ठीक है। ये जो हमने डिजाइन बना दिया है ये पूरा कटिंग होकर निकल जाएगा, अभी मैं वो भी आपको दिखाऊँगा कटिंग भी करके, ठीक है। तो ये देखिए हमने जो है पूरा मार्क इसमें जो है कर दिया है चारों तरफ से। अब चलिए मैं इसका कटिंग करके और आपको इसको मिला के दिखाता हूँ, ओके। तो एक यहाँ पे मैं कटिंग दिखा देता हूँ, इस तरीके से आपको कटिंग करना है, और ये देखिए ये कटिंग होके निकल गया, ठीक है। तो सब में इसी तरीके से मैं कटिंग करके निकाल देता हूँ। तो फ्रेंड देख सकते हैं ये जो कटिंग है वो हो चुका है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको जो यहाँ पे आपको असेंबली करके दिखाते हैं और ये किस तरीके से आ रहा है वो आपको दिखाते हैं। फ्रेंड जब आप इसको असेंबली करो तो असेंबली करने के टाइम पे आपको यहाँ पे हीट करना है ये वाला एरिया, ठीक है। ये जो एरिया है ना वो कटिंग सेट से आपको हीट करना है, और जब आप इसको हीट करोगे और हीट करने के बाद इसको जो आपको हैमर से मारना है, ठीक है। आप हैमर से मारोगे तो ये बेंड होगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा इसको बेंड करना, उसके बाद फिर इसको भी हीट करना है, ठीक है। दोनों को हीट करना है, और दोनों को क्या करना है आपको, इसमें ऐसे जब हीट करते जाओगे तो एक स्टेज ऐसा आएगा कि ये दोनों ऐसे टच हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बस आपको टच करना है और इसमें आपको टाका ले लेना है, ठीक है। तो फ्रेंड देख सकते हैं जो हमारा रिड्यूसर है वो बन के जो है रेडी हो चुका है। चलिए आपको यहाँ पर चेक करके दिखा देते हैं इसका डाया। तो जैसा कि आप देख सकते होंगे, देखिए ये 2 इंच का लगभग 60 mm ये जो है
बन चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको भी रिड्यूसर बनाना है और बिल्कुल ये जो है परफेक्ट बना, इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, अभी तक मैंने जो है आप लोगों के लिए लगभग 250-250 वीडियो जो है अपने चैनल पर अपलोड करके रखा हुआ है। तो आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, जैसे पाइप फिटर मतलब बेसिक टू एडवांस, या फिर स्ट्रक्चर फिटर से रिलेटेड, या फिर टैंक फैब्रिकेशन वगैरह कोई भी वीडियो चाहिए ड्राइंग फिटर से रिलेटेड, तो आप हमारे चैनल पे जाइए और चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।